हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और आज मैं जा रहा हूँ मोक्ष की पीटीएम में, है ना। अब ये देखना है कि पीटीएम में इस बार इसके मार्क्स कैसे रहते हैं। पिछली बार तो हमने मम्मा के साथ प्रैंक करा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड उसका स्क्रीन शॉट भी डाल दूंगा, ठीक है। तो पिछली बार तो थोड़ी शिकायत आई थी इसकी, मार्क्स कम थे। इस बार देखते हैं इसने कितना इम्प्रूवमेंट करा है और कितना है, मतलब ये पानी में पता चल जाएगा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद से ना पापा ने दो ट्यूशन लगा दिए इसके, साइंस का अलग, मैथमेटिक्स का अलग। और फिर घर में भी देखो, घर में तो मैं नहीं पढ़ा पाता, है ना, मैं खुद इतना नहीं पढ़ा, इसको क्या पढ़ाऊंगा। वैसे नॉलेज मुझे बहुत है, लेकिन हाँ वैसे मतलब मार्क्स मेरे कम आए हैं। और एक बार की बात बताऊँ, एक बार मुझे ध्यान है बुआ जी मेरी पीटीएम में गई थी, मुझे आज भी याद है, जो मेरे सौरभ जेटली सर थे ना, बुआ जी को इतनी सुनाई थी मेरे लिए, मतलब बहुत। बुआ जी ने कहा था भाई मैं आज के बाद विकास की पीटीएम में नहीं जाऊंगी, है ना, सॉरी बुआ जी उस बात के लिए, है ना। तो आज है मोक्ष की पीटीएम, देखते हैं इसके मार्क्स कैसे आते हैं, कैसे आने वाले हैं। एवरेज एवरेज पिछली बार की तरह एवरेज, इस बार मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। ठीक है, अब बताऊंगा इसको। हर पेपर में जब भी पूछा ना, यही कह रहा था भैया ये तो बहुत अच्छा गया है, ये तो मुझे सारा आता है, ये मुझे सारा आता है, और अब कह रहा है एवरेज। अब तेरे मार्क्स देख के ना वहीं इसे बताता हूँ फिर, ठीक है। तो निकलते हैं स्कूल के लिए, अब सीधा मिलेंगे स्कूल में। तो गाइस स्कूल आ चुके हैं मोक्ष के, और अब अंदर चलते हैं पीटीएम में, देखते हैं क्या रिजल्ट रहने वाला है इसका। और आज ये पता नहीं क्या मेल, NEP 2020 मेला, प्रोजेक्ट वगैरह जो बने होंगे ना वो दिखा रखे हैं बच्चों के, अच्छे बना रखे हैं वैसे तो। अच्छा, बच्चे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नहीं बनाई है? अच्छा, ये तो चंद्रयान वाला तो चलो बच्चों ने बनाया होगा। स्मोक कैन कॉज फॉलोइंग डिजीज, गाइस बच्चों के ना बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे और एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे थे। मोक्ष कहने लगा कि पहले पीटीएम करके आते हैं, क्योंकि पहले ना मार्क्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहले देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा, फिर उसके बाद आएंगे, फिर जो मतलब सारे अभी तो हमने कुछ ही देखे दो चार, और बच्चों को एक्सप्लेन करने का तरीका फैबुलस यार, एक्सीलेंट, है ना। तो अभी पहले पीटीएम करके आते हैं, फिर दोबारा से वहाँ पर चलेंगे जहाँ पे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, और फिर उनको खुद भी देखेंगे और कुछ आपको भी दिखाएंगे। सारे तो नहीं दिखा सकते ना, बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर। तो चलते हैं पीटीएम करके आते हैं। तो गाइस पीटीएम से होकर आ चुके हैं, मार्क्स वगैरह देख लिए हैं, बाकी सब में ठीक है, लेकिन दो सब्जेक्ट हैं जिनमें मार्क्स कम हैं, उनमें भी इम्प्रूव कर लेगा, और कोई ऐसी शिकायत भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ी शिकायत आई, बातें ज़्यादा करने लगा है, उसके लिए अब इसको थोड़ा सा डांट लगेगी घर पे। मम्मी अलग डांटेंगी, पापा अलग डांटेंगे, बाकी मैंने डांट ही दिया अपने हिस्से का जो डांटना था, ठीक है। अब चलते हैं जो ट्रेड फेयर लग रहा है, क्या बोलते हैं, एक्सपो मेला लग रहा है, जो मेला लग रहा है केवी में, बच्चों ने जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, फिर घर निकलेंगे। तो गाइज अब चलते हैं वापस से ट्रेड फेयर में और देखते हैं कुछ, और टीचर कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चों ने कठपुतलियों की दुनिया बना रखी है, ये आपका शायद इंडिया गेट नहीं है, इंडिया गेट लग रहा है, इंडिया गेट ही है। आगे आगे चलते रहेंगे और देखते रहेंगे। क्या चीज़ है ये? पंक्चुएशन व्हील। अच्छा, मतलब
अच्छा जो भी सेंटेंसेस में और पैराग्राफ में यूज होता है वो सब वेरी गुड प्रोनाउंस ठीक है ठीक है मतलब उसको समझ के करें। अच्छा अच्छा ठीक वेरी गुड अच्छा इधर बच्चों ने बनाया डिवीजन मशीन यार ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही बच्चों को क्या समझ आएगी मोक्ष ये बताइए कैसे होगा ये जो बच्चों ने डिवीजन मशीन बनाई है कैसे चलेगी कैसे वर्क करेगी कोई समझाने वाला भी नहीं है यार इधर तो नहीं ना मतलब ये वर्क कैसे करेगा थोड़ा दिमाग लगा के बता या तो ये काउंटिंग लिख रखी अच्छा ये डिविडेंट है 1 2 3 4 ये डिविडेंट लिख रखे हैं और ये क्वेश्चेंट है अच्छा बच्चों ने सांप सीढ़ी बनाई है काफ़ी अच्छा वर्क कर रखा है बच्चों ने ये देखो वोल्केनिक इरप्शन दिखा रखा है शायद इसी ने इस बार वोल्केनिक इरप्शन नहीं बनाया क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन बनाता ना ये क्यों लगा रखा है इसको हटाओ खूबसूरती को छुपा रहा है ये तो और बढ़िया लगता जादुई पिटारा छोटे बच्चों के लिए ये तो गाइस यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन दिखाया था इनो से है ना पर ये हर किसी को बार बार थोड़ी दिखा सकते हैं और इधर कुछ प्लांट्स भी अच्छा ठीक है तो ये बेस सेंसर पे वर्क करता होगा ना अच्छा हाँ बिल्कुल मोक्ष वायर बस जैसे किसी भवन की बुनियाद होती है मजबूत होती है तो भवन इतना ही लंबा और इतना ही मजबूत बनता है तो ये हमारा जो आधार स्तर है इसके अभिभावकों का बहुत बहुत ज़्यादा है यहाँ कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है अभिभावकों को भी तो हम आपसे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे थे बच्चों ने और बहुत ही फैबुलस वर्क था तो सारे देख लिए हैं अब चलते हैं घर तो गाइस पीटीएम में से घर आ चुके हैं और दीदी ने देखो खाना बना दिया और दीदी ने आज सबके लिए फास्ट का ही खाना बनाया वो है समा के चावल और थोड़ी सी दही आज हमें ये फीका ही खाना पड़ेगा क्योंकि और कुछ मना कर दिया दीदी ने बनाने से हाँ हाँ अगर खुद बनाना चाहो तो खुद बना सकते अब यार कौन जाए खुद बनाने है ना स्कूल से आए हैं थके हुए और स्कूल में घूमे भी बच्चों के पर हाँ एक बात है भाई बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बना रखे थे ना वो बहुत सही थे गाइज मैं थोड़ी देर के लिए ना सो गया था और अब रात के 9:30 बज रहे हैं और भाई फ्लिपकार्ट की डिलीवरी वाले का फ़ोन आया था एक साथ नींद से उठ गया यार खाना खा के ना सो गया था मैं नींद आ रही थी क्योंकि सुबह को भी मैं बहुत जल्दी उठा था मॉर्निंग वॉक पे भी गया था आज तो जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया ना शायद मैंने वॉच मंगाई थी हाँ वॉच ही है तो ओपन करते हैं देखते हैं कैसी वॉच है फ्लिपकार्ट पे तो बहुत अच्छी लग रही थी आप देखते हैं कि जो ऑनलाइन चीज़ थी क्या वो ऑफलाइन भी है देखते हैं अनबॉक्सिंग करके कैसी है तू हाँ कहे मैं ना कहूँ यार इसकी पैकिंग समझ नहीं आ रही किधर किधर से पैक कर रखी है ये गॉड ये किंग कहाँ जा रहा है लाइमस्टोन का अब देखते हैं इसमें वॉच
वॉच तो अच्छी लग रही है यार, एज एक्सपेक्टेड। चलो अब इसको हाथ में डाल के देखते हैं कैसी है। तो गाइस हाथ में पहनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है इस टाइप। वैसे तो ठीक लग रही है, मेरे को ना एक ग्रीन डायल की चाहिए भी थी। तो गाइस इसी के साथ व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज के व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले नए व्लॉग साथ। बाय बाय।